हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। चलिए आज डिस्कस करेंगे आंध्र प्रदेश स्टेट, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जो ये सीरीज़ है स्टैटिक अवेयरनेस की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सीरीज़ ऐसा नहीं है कि एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, जो आप बैंक और क्लैट के एग्ज़ाम भी दे रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश के जो बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे होंगे, जो स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही। लेकिन हरियाणा, अगर हम बात करें रिसेंटली हरियाणा के जो दो तीन पेपर हुए, उसमें जो लेवल था क्वेश्चंस का, टिपिकल लेवल, मतलब आप ये सोचिए कि जो एसएससी का लेवल है वही सेम लेवल था हरियाणा का। तो पंजाब का लेवल अगर आप देखें, पंजाब के जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, तो काफ़ी अच्छा लेवल आजकल पूछा जा रहा है। हमें ये जो स्टैटिक सीरीज़ है, इसका जो बेनिफिट है वो आपने उठाना है, गॉट इट? और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जो भी आपको डाउट रहता है और जितने भी मैं क्वेश्चन आपसे पुट करता हूँ, वो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर हैं यहाँ के E.S.L. नरसिम्हा या ESL नरसिम्हा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सरकार कौन सी पार्टी की है, TDP। चलिए, तो आंध्र प्रदेश में हम बात करते हैं एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज, तो ये 8th नंबर पे आता है एरिया वाइज और 10th नंबर पर आता है पॉपुलेशन वाइज। पॉपुलेशन वाइज बोले तो 2011 का सेंसस हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आता है 10th नंबर पे। और लार्जेस्ट सिटी अगर हम बात करें तो वो है विशाखापट्टनम, ये है लार्जेस्ट सिटी। चलिए और कुछ फैक्ट्स जानते हैं। आंध्र प्रदेश में जो लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं वो कितनी हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं 175, और लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट्स कितनी हैं, 58। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कितने हैं आंध्र प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट हैं 13, लोकसभा की सीट कितनी है 25 एंड राज्यसभा की सीट्स हैं 11। और क्लैट वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो हाई कोर्ट है हैदराबाद और चीफ जस्टिस कौन है हैदराबाद हाई कोर्ट के, TB राधाकृष्ण। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम वही नोट डाउन करेंगे, और जो बच्चे आंध्र प्रदेश से हैं उनको सभी के सभी नेशनल पार्क्स याद करने हैं, उनके लिए कोई स्पेशल ऑफर नहीं है। चलिए, पपीकोंडा नेशनल पार्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पपीकोंडा नेशनल पार्क के बारे में एक बात बताता हूँ आपको, ये कितनी बार पेपर में आया हुआ है एसएससी में, 2 बार पेपर में पूछा जा चुका है। राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पुलिकेट लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नागार्जुना और सिरिसिलम टाइगर रिजर्व हैं, ये भी दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने जो याद रखना है नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं कुछ डैम्स एंड रिवर डैम्स हैं, पेना रिजर्वर जो कि पेना रिवर पर है, उसके बाद आपने पोचम बेड जो कि श्री राम सागर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है जिसको, जो कि गोदावरी रिवर पर है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो पुलिकेट लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ये एग्जैक्टली कौन से स्टेट के बॉर्डर के साथ है आंध्र प्रदेश, और कौन से स्टेट बॉर्डर के साथ है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, मतलब ये बिल्कुल बॉर्डर पे है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आपने ऐसे क्वेश्चंस पर भी वर्क करना है। चलिए अब देखते हैं कुछ फोक डांस एंड क्लासिकल डांस, कुचिपुड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट डांस है, और एक कोलाकट्टम डांस है, ये ट्राइबल डांस है आंध्र प्रदेश का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्राइबल डांस। उसके बाद 2 थर्मल पावर प्लांट है जो आपने याद रखने हैं, मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रायलसीमा थर्मल पावर प्लांट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आंध्र प्रदेश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है गुंटूर में। चलिए कुछ देखते हैं निकनेम्स। अब निकनेम्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए। तो सिटी ऑफ डेस्टिनी किसको कहा जाता है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का एक और नाम है, वो भी आपको याद रखना है, गॉड ऑफ द ईस्ट। गॉड ऑफ द ईस्ट कौन सी सिटी को कहा जाता है? विशाखापट्टनम। उसके बाद पेंशनर्स पैराडाइज और सिटी ऑफ काजा, ये कहा जाता है काकीनाडा सिटी को। उसके बाद द प्लेस ऑफ विक्ट्री, तो प्लेस ऑफ विक्ट्री कहा जाता है विजयवाड़ा। सिटी ऑफ प्रवांस और सेकंड बरदोली सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसको, ये भी याद रखना। और कौन सी सिटी को कहा जाता है? भीमावरम, सेकंड बरदोली सिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद कल्चर सिटी कहा जाता है राजामुंड्रे। राजामुंड्री सिटी को सिटी ऑफ चिल्स। अब यहाँ पर ध्यान रखना है सिटी ऑफ चिल्स एंड तंबाकू। तंबाकू की जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा हमारे भारत में कहाँ होती है? गुंटूर। गुंटूर आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर आपका जो डाउट है वो होगा, आपको लग रहा होगा यूपी बिहार, नहीं बिल्कुल गलत जवाब। जो तंबाकू की प्रोडक्शन है वो होती है गुंटूर आंध्र प्रदेश में। उसके बाद देखते हैं कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो आपने याद रखने हैं। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट जो कि विशाखापट्टनम में है, विजयवाड़ा एयरपोर्ट जो कि विजयवाड़ा में है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बस इसी को याद कीजिएगा। और उसके बाद सॉयल, ब्लैक सॉयल, लेटराइट सॉयल, मेजर मिनरल रिसोर्सेज देखें तो लेड, जिंक, गोल्ड, जो कि गोल्ड है अनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल पूछ लिया जाता है कई बार, तो माइका। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। टेम्पल्स हैं कुछ जो आपने याद रखने हैं, कनका टेम्पल, तिरुपति बालाजी टेम्पल, और जो काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एक नेशनल हाईवे आपको याद रखना है, नेशनल हाईवे 16 विजयवाड़ा, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, विजयवाड़ा गुंटूर एक्सप्रेस। ये मैंने आपको जो नेशनल हाईवे वाला टॉपिक था ट्रांसपोर्ट वाला ज्योग्राफी, उसमें भी बताया था। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ये देखिए ये इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में यहाँ आपने देखा होगा अरब सागर है और यहाँ पर आपने देखा होगा बे ऑफ बंगाल है और बिल्कुल नीचे है इंडियन ओशियन। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो पेनिनसुलर स्टेट है, मतलब जो तीन साइड से पानी से घिरे हुए हैं, तो मैंने गुजरात वाली वीडियो में बताया था सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट था गुजरात, और सेकंड नंबर पे आपका है आंध्र प्रदेश। तो याद रखना सेकंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट है आपका आंध्र प्रदेश, फर्स्ट नंबर पे है गुजरात, सेकंड पे है आंध्र प्रदेश, और उसके बाद सिर्फ आपको याद रखना है जो 9th नंबर पे है गोवा, टोटल है 9। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपने नोट डाउन करना है। उसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम आंध्र प्रदेश से जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। एक है एपीसीए वीडीसीए स्टेडियम जो कि विशाखापट्टनम में है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आपने एग्जैक्टली वही नोट डाउन कर लेना है, एपीसीए वीडीसीए शॉर्ट फॉर्म में अपका वडगा स्टेडियम विशाखापट्टनम। और उसके बाद आपने याद रखना है इंदिरा गांधी स्टेडियम। वैसे इंदिरा गांधी स्टेडियम आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बहुत सारे स्टेडियम हैं जिनका नाम इंदिरा गांधी स्टेडियम है, तो इसमें कन्फ्यूजन रहती है, तो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता। लेकिन हाँ आंध्र प्रदेश के जो बच्चे हैं उनसे पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि विजयवाड़ा में कौन सा स्टेडियम है, तब आप ध्यान रखना कि वो स्टेडियम का नाम है इंदिरा गांधी स्टेडियम। चलिए और ये दोनों क्रिकेट स्टेडियम है, ये भी याद रखना। उसके बाद एक सी पोर्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विजॉग पोर्ट, और विजॉग पोर्ट कहाँ पर है? ये भी है आपका विशाखापट्टनम में। अभी मैं कुछ और सिटीज़ के नाम बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है सिर्फ आंध्र प्रदेश के बच्चों के लिए, जो आंध्र प्रदेश के बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्टेट एग्ज़ाम्स की, लेकिन उसमें से एक दो ऐसे हैं जो आप सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है। विशाखापट्टनम में है विजॉग पोर्ट, ये एक तरह का सी पोर्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये।
तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने याद रखने हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश से मुझे याद आया, दो आंध्र प्रदेश की सिटी हैं जो कि नदी के किनारे बसी हुई हैं, एक तो हैदराबाद। तो हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी। और एक विजयवाड़ा, ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? विजयवाड़ा तो आपने याद रखना है, कृष्णा नदी। चलिए अब बात करते हैं ऑफिशियल फ्लावर, फ्रूट एंड ट्री। तो फ्लावर है ऑफिशियल ब्लू वाटर लिली, फ्रूट है मैंगो, ट्री है नीम, और बर्ड एक ब्लू वाटर लिली भी और जैस्मिन फ्लावर भी है, और बर्ड है रोज रिंग बर्ड। ठीक है, रोज रिंग बर्ड, एंड इसको रोलर बर्ड भी कहा जाता है, रोलर इंडियन बर्ड। एंड एनिमल है यहाँ पे, जो स्टेट एनिमल है ब्लैक बक। और डांस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कुचिपुड़ी डांस। रिवर्स यहाँ पर फ्लो करती हैं, गोदावरी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, कृष्णा मैं आपको बता ही चुका हूँ, विजयवाड़ा जो शहर है वो कृष्णा रिवर पर बसा हुआ है। उसके बाद तुंगभद्रा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है आंध्र प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, अच्छा आंध्र प्रदेश का स्पोर्ट्स क्या है ये भी पूछ लिया जाता है। तो आंध्र प्रदेश का स्पोर्ट है कबड्डी, और कबड्डी पंजाब का भी है, पंजाब भी हम डिस्कस करेंगे, सभी की सभी स्टेट डिस्कस करेंगे, इवन सभी की सभी यूटी। चलिए अब कुछ सिटी हैं उनको क्या क्या नाम है वो जान लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक सिटी का नाम है पिटगुरला, पिटगुरला सिटी, लाइम सिटी। उसके बाद एक तेनाली सिटी है, तेनाली सिटी को कहा जाता है आंध्र प्रदेश का पेरिस। और ऐसे ही एक हरियाणा में सिटी है करनाल, मैं हरियाणा के जो वीडियो में बताना भूल गया, वो हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से पेरिस है, आंध्र प्रदेश का पेरिस है। ये वहाँ के जो स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये। तिरुपति, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तिरुपति सिटी, तिरुपति सिटी को कहा जाता है स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, द ज्वेल ऑफ द ईस्ट कोस्ट, द ज्वेल ऑफ द ईस्ट कोस्ट, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये एक एक नाम हो रहा है वो भी आंध्र प्रदेश के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये थी इंफॉर्मेशन आंध्र प्रदेश के बारे में जो आपने याद रखनी है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, और ये जो सीरीज़ है आपके सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कीजिए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, उनका भी भला हो और उनके भी एग्ज़ाम्स क्लियर हो। थैंक यू।